बायर एक बायर एक साइड पे मोनोप्सनी में होगा और सेलिंग एंड पे क्या होगा ही इज अंडर कंडीशन ऑफ मोनोपली एक दूसरे सिनेरियो क्या हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल बायर इज इन परफेक्ट कंपटीशन जब बाइंग अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट में हो रही हो और जो आपके पास मोनोपली कंडीशन प्रिवेल करें इन मार्केट ऑफ सेलिंग फिर यह भी हो सकता है कि बायर आपका मोनोप्सनी में हो इन बाइंग और जब आप सेलिंग की बात करो तो वो आपके पास वहां पे अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट करे और यहां पे एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि एज अ बाइंग एंड सेलिंग बोथ इज कैरीड आउट अंडर परफेक्ट कंपटीशन अब ये जो डिफरेंट सिनेरियोस हैं इसमें जो आपकी क्वांटिटी एंड प्राइस है वो वेरी करेगी कि हाउ मच प्राइस विल बी पेड टू यूजेज ऑफ द इनपोर्ट ये वेरी करेगा मार्केट कंडीशन पे अंडर विच द फर्म इज ऑपरेटिंग हाँ जी अब इस चीज को लेबोरेट करने के लिए हम एक एक ऐसी मार्केट सिचुएशन में जा रहे हैं वेयर बायर इज अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपनी और जब आप वो सेलिंग की वाली साइड पे जाते हैं तो वो वहां पे वो क्या है दैट इज अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपली जब एक बायर एंड मोनोपली में अपना आउटपुट सेल आउट करेगा तो वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट डिफरेंट होंगी जो कि अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट में क्या आती है कि मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट आर सेम कर बट इफ अ फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर इन परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट के ही इज कैरिंग आउट इज सेलिंग अंडर इन परफेक्टली कम्पेटेटिव मार्केट देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड एवरेज एंड मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट अब इस डायग्राम में दो पॉजिटिवली स्लोप कर्व एक में सप्लाई ऑफ इनपुट्स को डिनोट कर रहे हैं एक आपके पास मार्जिनल इनपुट कॉस्ट को डिनोट कर रहे और दो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व्स भी हैं जिनमें से एक मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं और सेकंड आपके पास मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी यहां पे कंडीशन क्या है कि बाइंग इज अंडर एंड सेलिंग मोनोपली अंडर मोनोपनी कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये है कि मार्जिनल इनपुट कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और इस डायग्राम में वो अक्कर हो रहे हैं हमारे पास एट पॉइंट ए द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर अब इस पॉइंट के अगेंस्ट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनपुट विल बी परचेज बाय द मोनोप्सनिस्ट इट इज इक्वल टू क्यू एमएम और इस प्राइस इस क्वांटिटी के अगेंस्ट जो मोनोप्सोनिस्ट प्राइस पे करेगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट प्राइस हम देखेंगे कि इस क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे सप्लाई ऑफ इनपुट कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और यहां पे जो सप्लाई ऑफ इनपुट है इफ फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर मोनोपनी एंड मोनोपली के बाइंग वाले एंड पे मोनोप्सनी में है और सेलिंग वाले एंड पे ही इज इन मोनोपली तो वो आप पी एम एम प्राइस पे करेगा द यूजेज ऑफ टू एम एम क्वान्टिटी ऑफ इनपुट लेकिन अब अगर यहां पे हम मार्केट कंडीशन चेंज करें हाँ जी चेंज हमने किस पैटर्न पे किया कि कि हमने कहा इन द मार्केट ऑफ बाइंग जो आपका बायर है ही इज अंडर परफेक्ट कंपिटिशन लेकिन जब आप सेलिंग वाली साइड पे जाते हो तो ही इज अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपली तो इस सिचुएशन में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी ऑफ इनपुट होगी वो हम डिटरमिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व एंड सप्लाई ऑफ इनपुट कर्व कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इंटरसेक्ट करेगी सप्लाई ऑफ इनपुट कर्व को वो आपके पास क्या होगा दैट पॉइंट विल डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट दैट दैट विल बी यूज इफ फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपिटिशन फॉर द बाइंग ऑफ इनपुट एंड मोनोपली फॉर सेलिंग ऑफ इट्स आउटपुट इस सी पॉइंट के अगेंस्ट हाउ मच प्राइसिटी वि, हाँ विल बी यूज वो क्वांटिटी है आपके पास क्यू पी सी एम और इस क्यू पी सी एम क्वांटिटी के लिए जो आपके पास आप कह लें कि बायर है वो प्राइस पे करेगा पी पी सी एम क्या बाइंग इज अंडर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट एंड सेलिंग इज अंडर दंडीशन ऑफ मोनोपली तो यहां पर क्यू पीसी हाँ जी एक थर्ड सिचुएशन अब हम जनरेट करते हैं थर्ड सिचुएशन क्या है बाइंग इज अंडर दंडीशन ऑफ मोनोपनी वाइल सेलिंग इज अंडर दंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपिटिशन के वेन बाइंग बाइंग ऑफ इनपुट इज कैरिड आउटर अंडर दी एंड सेलिंग ऑफ आउटपुट इज कैरिडर परफेक्ट कंपिटिशन दैन क्वांटिटी ऑफ इनपुट ऑप्टीमल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इज डिटर ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल इनपुट कॉस्ट एंड मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल इनपुट कॉस्ट मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट को इंटरसेक्ट करेगी दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल डिटर्मेंट दी ऑप्टिमल क्वान्टिटी ऑफ इनपुट दैट विल बी यूज बाई दैट पर्टिकुलर फॉर्म टू प्रोड्यूस आउटपुट और यहां पर यह क्वांटिटी क्या है दैट इज इक्वल टू टू एम पी सी और इस क्वांटिटी के लिए जो प्राइस पे करेगा आपके पास उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा कि इस लेवल ऑफ इस लेवल ऑफ इस क्वांटिटी ऑफ इनपुट के अगेंस्ट सप्लाई ऑफ इनपुट हमें क्या रिपोर्ट कर रही है कि प्राइस ऑफ इनपुट क्या होगा और इस केस में ये प्राइस ऑफ इनपुट यहां पे हो रहा है पी एम पी सी इफ फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर मोनोसनी एंड परफेक्ट कंपटीशन फॉर सेलिंग देन फर्म विल यूज टू एम पी सी ऑफ इनपुट एंड पे अ प्राइस पी एम पी सी टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट हाँ जी एक फोर्थ कंबिनेशन क्या हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि जी बोथ बाइंग एंड सेलिंग इज कैरीड आउट अंडर परफेक्ट कंपटीशन कि जो आपकी बाइंग है इनपुट की दैट इज आल्सो कैरीड आउट अंडर परफेक्ट कंपटीशन और जो सेलिंग ऑफ आउटपुट है दैट इज आल्सो कैरिड आउट अंडर परफेक्ट कंपटीशन इस केस में ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इज डिटर्मेंड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट एंड मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट कि जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अगेंस्ट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड और ये यहां पे इसमें हम इस डायग्राम में उसको डिनोट करें विद पॉइंट एफ और इस एफ पॉइंट के अगेंस्ट क्वांटिटी ऑफ इनपुट क्या है दैट इज इक्वल टू क्यू और इस क्यू के लिए जो प्राइस पे की, की जाएगी दैट इज इक्वल टू पी पी सी कि इस डायग्राम में हमने आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स की बात की और डिफरेंट प्राइसेस की बात की अगेंस्ट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट प्राइस विल बी पेड टू इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट हाँ इस अगर मैं इन जो हमने चार डिफरेंट मार्केट मार्केट्स को डिस्कस किया कि जी मोनोसनी इन बाइंग एंड मोनोपली इन सेलिंग हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन इन बाइंग एंड मोनोपली इन सेलिंग हमने बात की मोनोपसनी इन बाइंग एंड परफेक्ट कंपटीशन इन सेलिंग हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन इन बाइंग एंड परफेक्ट कंपटीशन इन सेलिंग तो इसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि यूजेज ऑफ इनपुट क्वांटिटी एंड प्राइस वेरी कर रही थी अंडर आल दीज फोर मार्केट कंडीशंस के जी प्राइस एंड क्वान प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूजेज डिपेंड करेगी मार्केट फ्रॉम विच बाइंग ऑफ इनपुट एंड सेलिंग ऑफ आउटपुट इज कैरीड आउट